कार्टून टीवी। आलसी बंदर। शेखपुरा नाम दे जंगल विच एक बुड्ढी बांदरी अपने दो बच्चे मीकू ते चीकू नाल रहिंदी सी। ओ अपने बच्चियां नू बहुत ही प्यार करदी सी अते बड़े ही प्यार नाल उन्हां दा पालन पोषण करदी सी। ओ उन्हां नू वधिया वधिया फल भी लिया के दिंदी सी। देखो मैं तुहाडे लई केले लियाई आं। वाह मजा आ गया, मेनू पहला चाहिदा है। शांति रखो थोड़ी। मां तुसी इन्ने मिठे केले कित्थों लेके आंदे हो? तुसी दोनों जदो वड्डे होके दरख्तां दे छालां मारन जोगे हो जाओगे तो मैं तुहानू सारे ठिकाने दस दूंगी मेरे बच्चो। अच्छा मां ठीक है। इस तरह समा लंघन दे नाल नाल चीकू ते मीकू वड्डे हो जांदे ने। तुसी दोनों हुण वड्डे हो गए हो, मैं चाहुंदी हां कि तुसी दोवें मेरे नाल चल के खान दी पाल करना सीखो, जिदे नाल तुसी आपे अपना खाना लब के अपना ढिड भर सको। हाँ हाँ, मैं ता कदों दा जान दे लई तैयार हां। नहीं मां, मैं नहीं जांदा, मेरी सेहत सही नहीं लग रही है मां। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं, मैं तेरे लिए खाना ले आऊंगी। चीकू नू इस तरह बिना हाथ पैर मारे खाना मिलन लग्या, जिदे नाल ओ होर भी आलसी हुंदा गया। बाद विच जदों बुड्ढी मां उन्नू अपने नाल जंगल विच जान दे लई कहंदी तां कोई ना कोई बहाना ला दिंदा सी। पुत चीकू, की तू अज मेरे नाल चलेगा? ओ मां, मेरे पैरां च बहुत दर्द हो रहा है। ओए, जंगल चो खाना लेके आना, इदे विच केड़ी वड्डी गल है? मां फालतू च मेनू परेशान करना चाहुंदी है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू आराम कर। बुड्ढी मां नूं हुण ए गल समझ आ गई सी कि चीकू दी आदत विगड़दी जा रही है, ओ आलसी हुंदा जा रहा है। जे ओ हल्ले भी ना सुधरिया तां ओनू एक दिन बहुत ही खराब समय दा सामना करना पाऊगा। इस तरह बुड्ढी मां ओदे भविष्य नू लेके फिकर करन लगदी है। पर चीकू नू लगदा सी कि ओदी मां ओनू अपने नाल लजा के बहुत परेशान करना चाहुंदी है। इस दे विच ही एक दिन बुड्ढी मां दी मौत हो जांदी है। ओदों ही मीकू अपने भाई चीकू नू समझौंदा है। देख, हुन साडी मां नहीं रही, हुन सानू आप ही सब कुछ करना पाऊगा। ओए, तू ता मेरा भाई है ना, तेरे हुंदे होए मेनू किस चीज दी फिकर है? तेरी गल बिल्कुल सही है, पर अपनी जिंदगी जीन दे लई हुन सानू अपने पैरा ते खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कदों तक तेरा साथ देंदा रहूंगा? ज्यादा सिखा ना, जंगल चो मेरे लिए खाना की ले आंदा है ता इस दे विच अपने आप नू बहुत वड्डा फन्ने खा समझन लग गया है। मीकू नू अपने भाई दी गल बहुत बुरी लगदी है, पर ओह ओदा साथ नहीं छड पाउंदा अते ओदे नाल ही रहन लगदा है। उधर चीकू अपने भाई दियां गल्लां नू अनसुणा करके ओदे ते ही निर्भर होके मजे करन लगदा है। ओए चीकू, किथे है? जल्दी आ, अज तेरे लई मैं अमरूद लेके आया हां। चीकू अपने भाई दे ल्याए होए अमरूदां नू खा के बहुत ही खुश होंदा है। मजा हो गया, किन्ने स्वाद फल ने। कदे आप भी लिया के खा लिया कर। कुछ दिना बाद जंगल विच एक बदमाश शेर आंदा है अते ओ सारे बांदरा तो बहुत ही चिड़िया हुंदा है। बांदरा नू देख दे ही ओ उना ते हमला करके उना नू मार दिंदा है। देख, जंगल विच एक खतरनाक शेर आ गया है, तू उस तो बच के रही। जदो तक मैं खाना लेके नहीं आ जांदा तू अपना ध्यान रखी। ठीक है, तू मेरी फिकर ना कर। मीकू दरखत तो उतर के खान दी तलाश दे विच कुछ दूर चला जांदा है। ओदों ही ओ शेर ओदा पीछा करदा है। आ, मर गया ओए, मर गए ओए, ए तो मेरी जान लेना चाहुंदा है। मीकू किसे तरह दरखत ते चढ़ के अपनी जान बचा लैंदा है।
पर वो शेर दरखत दे थल्ले बह के मीकू दे थल्ले उतरन दा इंतजार करदा है। ए शेर ता मेरे पीछे ही पै गया, हुन मैं अपने घर किवें जाऊंगा। इसे तरह रात हो जांदी है पर शेर ओथों नहीं जांदा, जिस करके मीकू अपने घर भी नहीं जा पांदा। उधर चीकू अपने भाई दा इंतजार दे विच भुखा ही रह जांदा है, पर ओ खान दे लई कोशिश भी नहीं करदा। पता नहीं मेरे भाई नू की हो गया, किते एवें ता नहीं ओ जान मूच के घर ना आया होई। मैं सवेर दा भुखा हाँ, हुन की करां, ढिड च चूहे कुद रहे ने। चीकू सारी रात भुखा रहंदा है। अगली सवेर मीकू दे वापस आन ते ओ खाना खांदा है। तेरी वजह नाल मैनू सारी रात भुखा ही रहना पिया। तू ता बस भुखा ही रहा, मेरी ता जान ही खतरे विच सी। अच्छा एहो जा की होया तेरे नाल? मीकू ने अपनी पूरी कहानी दसी, जिस तों बाद ओ चीकू नू कहंदा है। ताई ता कहंदा हा कि तू खुद भी कुछ काम कर लिया कर, जिदे नाल जरूरत पैन ते तू माड़े समय दा सामना कर सके। अच्छा ठीक है ठीक है। इस तरह समा लंघन लगदा है। कुछ दिनां दे विच ही मीह दा मौसम बन जांदा है। मानसून आन ते तेज मीह पैन लगदा है। भाई बहुत भुख लगी है। मैं की कर सकदा हा, मीह रुकन दा नाम ही नहीं लै रिया। की अप्पा मीच खान दे लई नहीं जा सकदे? मां ने क्या सी, जद हनेरी या तूफान या तेज मीह पवे ता अपने कार चो बाहर नहीं निकलना, साड़ी जानू खतरा हो सकदा है। उफ, फिर ता सानू मीह रुकन दा इंतजार करना पवेगा। दोनों भुखे प्यासे मीह रुकन दा इंतजार करदे ने। दिन तो रात हो जांदी है पर मीह लगातार पैंदा रहंदा है। जदों सवेरे ओ उठदा है तां जंगल विच बाढ़ आ चुकी हुंदी है अते उत्तों मीह भी नहीं रुकदा। आयो रब्बा ए की हो गया, जंगल विच बाढ़ आ गई है, हुण की करा। भुख नाल तड़प रहे भाई दा हाल वेख के मीकू तो रहा नहीं जांदा अते ओ भोजन दी तलाश विच जान लगदा है। तू अपना ख्याल रखी, मैं खाना लभन जा रहा हां। मैं भी तुहाडे नाल चलूंगा भाई। नहीं हल्ले नहीं, बहुत खतरा है बार, मैं खाने दा कुछ जुगाड़ करके जल्दी आ जावांगा। मीकू भोजन दी भाल विच निकल जांदा है पर ओ वापस नहीं आंदा। ओए ओ किथे चला गया, इन्नी देर हो गई है, भूख नाल मेरी जान निकलदी पई है। जे मेनू खाना लभना आंदा ता मैं ही आपे चला जांदा। चीकू बहुत पछतौंदा है कि ओ हमेशा दूजा दे सहारे ही रहा, उन्हें कदे भी चीजां नू पाण दे लई कोशिश नहीं कीती, जिस करके ओ अज दिक्कत विच फसिया होया है। कुछ दिनां तो लगातार भुखा प्यासा रहन नाल चीकू दी हालत बहुत खराब हो जांदी है। एक रात फिर ओनू भुखा सोना पैंदा है पर चीकू दे लई ओ रात तो बाद अगली सवेर ही नहीं हुंदी, ओ हमेशा दे लई सो जांदा है। इस कहानी तो सानू ऐ सिख्या मिलदी है कि सानू दूजा ते निर्भर नहीं होना चाहिदा। जे थोनू ए वीडियो पसंद आया होवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, ते सब तो पहला साडे वीडियोस देखने लई चैनल सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।